नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय कक्षा 2 का पाठ 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 का नाम है सीखो। ये एक कविता है जिनके कवि हैं श्रीनाथ सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें फूलों से प्रतिदिन हंसना सीखना चाहिए और उन पे जो भौरे भिन भिन आते हैं उनसे प्रतिदिन गाना गुनगुनाना सीखना चाहिए। तरु यानी कि पेड़ों की डालियों से हमें नित झुकना सीखना चाहिए, यानी कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें हवा के प्रकार कोमल भाव से बहना सीखना चाहिए, यानी कि हमें अपने व्यवहार में कोमलता लानी चाहिए। दूध और पानी जैसे मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमें मिलजुल कर सबके साथ रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। जिस प्रकार सूरज की किरणें सुबह सुबह सबको जगाती हैं, उसी तरह हमें भी जीवन में जागना है और हमेशा सुबह जल्दी उठना है। लता और पेड़ यानी कि जो लताएं होती हैं, जो पेड़ों को इस तरीके से समेट लेती हैं अपने अंदर, उसे गले लगा लेती हैं, उसी प्रकार हमें भी सबको गले लगाकर रहना है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, यानी कि जिस प्रकार दीपक जल के अंधेरे को गुम कर देता है, उसी प्रकार हमें भी इस पाप के अंधेरे को या जीवन में जो पाप है उसको दूर करना है। पृथ्वी से सीखो जीवों की सच्ची सेवा करना, एक विशाल पृथ्वी जो अपने ऊपर जो छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं उनकी जिस प्रकार से सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी उन लोगों की सेवा करनी है जो अपनी सेवा या अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कविता। आगे हम चलते हैं अभ्यास के लिए। श्रुत लेख, इनको हमने अच्छे से उच्चारण करना सीखना है। तरु, झोंका, मेल जोल, किरण, अंधेरा, पृथ्वी, इन्हें लिखें याद करके। आगे चलते हैं मुख से। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें नित हंसना सीखना चाहिए। जगना और जगाना हमें किससे सीखना चाहिए? जगना और जगाना हमें सूरज से सीखना चाहिए। इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव हंसकर मिलजुल कर सबको गले लगाकर रहना चाहिए। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि श्री नाथ सिंह जी हैं। आगे कलम से, फूल हमें क्या सिखाते हैं? रोना, हंसना या मुरझाना? तो फूल हमें हंसना सिखाते हैं। दीपक क्या दूर कर देता है? अंधेरा, प्रकाश या ज्ञान? तो दीपक अंधेरा दूर कर देता है। जीवों की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा किससे लेनी चाहिए? लता से, कली से या पृथ्वी से? तो जीवों की सच्ची सेवा करने की प्रेरणा हमें पृथ्वी से लेनी चाहिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। भोरों से हमें क्या सीखना चाहिए? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भोरों से हमें नित गाना सीखना चाहिए। हवा के झोंके हमें क्या सीख देते हैं?
हवा के झोंके हमें कोमल भाव से बहने की सीख देते हैं। मेल जोल से रहने की सीख हमें दूध और पानी से लेनी चाहिए। लता और पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? लता और पेड़ हमें एक दूसरे से गले लगाने की सीख सिखाते हैं। पेड़ों की झुकी हुई डालियां हमें क्या सिखाती हैं? पेड़ों की झुकी हुई डालियां हमें शीश झुकाना सिखाती हैं। आगे चलते हैं, कविता की पंक्तियां पूरी करें। तो ये आप ऊपर की कविता पढ़ के इसे वहां से पूरा कीजिए। मेरे विचार से कविता में कवि ने किन किन प्राकृतिक उत्पादनों से सीख लेने को कहा है, सबके नाम लिखो। तो आप इसमें लिखेंगे फूलों, भोरों, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, दीपक और पृथ्वी। चित्रों को उनकी सीख से मिलाओ। तो ये आप स्वयं करें। यहाँ पे आपको दीपक, फूल, भोरों और सूरज का चित्र दिया है, तो इसको जो हमें इसकी सीख देता है उसके साथ आप इसको स्वयं ही मिलाएं। कविता में किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने की बात कही गई है। अगर हमें किसी से कुछ भी ना सीखें तो क्या होगा, अपने विचार में लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अगर हम किसी से कुछ ना सीखें तो हम अज्ञानी बन जाएंगे, हमारा जीवन अंधकार की ओर चला जाएगा। अब आगे चलते हैं हम भाषा और व्याकरण में। यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्द आपने लिखने हैं, जैसे हंसना का रोना होता है, सच का झूठ होता है, उसी प्रकार से ये आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द दिए हैं, इनको आपने मिलाना है। तो क्या होगा, ऊपर का नीचे, कोमल का कठोर, जगना का सोना, अंधेरा उजाला। समान तुक वाले शब्द, अब तुक वाले शब्द क्या होते हैं, जिनको एक तरह से बोला जाता है, जैसे जगाना का होगा भगाना, हरना धरना, रहना गहना, गाना जाना। अब यहाँ पे आपको चित्र बनाए हुए हैं, इनके नीचे आपने इनके नाम लिखने हैं। तो पहला है फूल, दीपक, सूरज और तरु। आगे चलते हैं, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। अब इनका आपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला आपको दिया है नित, तो आप इसको वाक्य में लिखेंगे, हमें नित प्रातः स्नान करना चाहिए। आगे है गाना, लीला बहुत अच्छा गाना गाती है। आगे है तरु, बरगद का तरु बहुत विशाल होता है। डाली, आम के पेड़ की डाली पर चिड़िया बैठी है। पृथ्वी, पृथ्वी गोल है। इस प्रकार से आपने वाक्य बनाने हैं। आगे दिए हैं, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पर्यायवाची यानी कि जो जिनका सेम अर्थ होता है। अब फूल का अर्थ है कुसुम, तरु का है पेड़, पानी का लिखेंगे आप जल और हवा का लिखेंगे पवन। तो यह हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इनके प्रश्न और उत्तर करने में परेशानी होती है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और फिर सुनकर इनके प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें। अगर आपको फिर भी ना समझे तो हमें कमेंट या मैसेज करना ना भूलें। धन्यवाद।